एल आई माइनस बी माइनस बी माइनस सी माइनस ये बताओ किसमें एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन लिथियम गैस एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे तो एल आई माइनस बनेगा तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका डेल्टाच क्या होगा निगेटिव एनर्जी इज रिलीज तो स्टेबल है बट बी का क्या होता है ग्रुप टू ग्रुप 18 एंड नाइट्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है जीरो मतलब वो जब एनर्जी कैप्चर करेगा तो डेल्टा इस पॉजिटिव एंडोर्जिक हो जाता है बी जब इलेक्ट्रॉन लेके बी माइनस होगा तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा तो कोई एनर्जी दे के स्टेबल थोड़ा नहीं होता तो ये क्या होगा इसका मतलब अनस्टेबल हो गया तो या छोड़ोगे बी माइनस वापस से इलेक्ट्रॉन बाहर भेजेगा और स्टेबल हो जाएगा

X- माइनस ओ एच माइनस एच माइनस कौन इलेक्ट्रॉन सबसे इजी गेन करेगा कोई भी नहीं करेगा सब पे निगेटिव चार्ज है तो ई क्या फोर्टी वन का होगा नन मतलब डी आंसर कोई भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं करता एक्स माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ओ एच माइनस हो कहाँ एक इलेक्ट्रॉन लग सकता है एच माइनस हो कहां से फिर दो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज है सबका इलेक्ट्रॉन यानी थाल्पी टू थ्री फोर इलेक्ट्रॉन यानी थाली थ्री इलेक्ट्रॉन यानी थाल्पी फोर सब एंडोर्जिक होते हैं यही था नाटी सिक्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये तो ऑर्डर कैसे था हाईएस्ट किसका था फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का था वो नोट्स में था जो लॉन्च करना था क्लोरीन ग्रेटर देन 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 फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और इधर सिलिकॉन का क्या था कार्बन से जा रहा था फिर सेम हो गया सिलिकॉन ग्रेटर देन अच्छा नहीं कार्बन नाइट्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन है ना फोर्टी सिक्स में देखो तो कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन होगा क्या नहीं नाइट्रोजन का कम होता है कार्बन से हाफ फिल्ड बी रॉन्ग हो गया सी में देखो नाइट्रोजन से ग्रेटर कार्बन हाँ ये सही बोला नाइट्रोजन तो सबसे कम था फिर कार्बन होगा कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन फ्लोरीन तो यही सी करेक्ट होगा ना डी क्यों राउन हो गया नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कम होगा हाफ फील्ड के कारण ये सब डायरेक्ट नोट्स में थे आनंदी क्लियर हुआ ओके डन और कुछ है बताओ केमिकल बॉन्डिंग हम लोग को ओवर करना है राइट केमिकल बॉन्डिंग में कितना करना है यूनिट्स थे ना अपने पास देखें सबको जो मैंने लेक्चर लिए थे वो वीडियो अपलोड किया अभी मिल गया ना सबको एक भेजा तो उसके थ्रू जाओगे तो तुम्हें सारे वहां पे मिल जाएगा है ना हाँ। तो जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया उसके बेसिस पे आप हमेशा चल जाओ वहां पे तुम्हें मिल जाएगा सब वीडियोस पे उसको सब्सक्राइब कर लेना मिल जाता है सब है ना ओके ये हो गया अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में जाओ यूनिट में जाओ देखें कि कहां तक है फैजान रूल तक था ना तो फैजानसुल से पहले आई थिंक क्यों लायनिक बॉन्ड पढ़ना था और फैजानसुल ज्यादा कुछ है नहीं एक बार देख लेते हैं आप पे वो ओके बुकलेट सबके पास है एक बार बुकलेट पे जाओ इसके नोट्स में भेज दूंगा बट बुकलेट में एक बार देखो एवरीवन केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन है केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड क्या होता है पेन नंबर सिक्स पे जाओ ओके केमिकल बॉन्ड में क्या होता है फोर्स इंट्रोडक्शन क्या ऑफ द फैट एक्सेप्ट इनऑर्ड गैस कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता नहीं है इंडिपेंडेंट एटम्स में अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज द मॉलिक्यूल यही है ना सारे आपस में कंबाइन करते हैं तो व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन द कॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन इज डिक्रीज इन एनर्जी टिक्रीजी एनर्जी क्या होता है कोई भी नेचुरल सिस्टम देखो उसकी टेंडेंसी है कि पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा एंड इट बिकम्स मोर स्टेबल मतलब सिस्टम इज स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस स्टेबल देन सिस्टम इज नन ऑफ द एनर्जी मान लो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो तुम अनस्टेबल रहोगे इधर से इधर मूव करोगे कहीं जाओगे और एनर्जी बिल्कुल नहीं रही तो थक गिर जाओगे उधर यही है ना तो हो जाता है कि स्टेबिलिटी तभी आएगी कोई भी चीज यदि स्टोन यदि माउंटेन पे है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है वो अनस्टेबल होगा गिरेगा तो सीधे नीचे आएगा बट जो ग्राउंड पे वो कहाँ गिरेगा हॉट टी ले लो तो चाय क्या है उसमें एनर्जी ज्यादा है वो धीरे 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 रिलीज करके स्टेबल हो जाएगा वाटरफॉल ले लो वाटर ऊपर से नीचे ही गिरता है कभी वाटर अप नहीं होता कि आया ऊपर चला जाए वाटर ऊपर से नीचे ही जाएगा तो यू कैन सी द वाटरफॉल क्यों उसमें पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी आती है यही चीज होता है कि जिसमें एनर्जी रिलीज होगा उससे स्टेबिलिटी आता है तो कभी भी दो एटम जब नजदीक आएंगे तो उसमें क्या होता है आ, उसमें एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा स्टेबिलिटी आती है यही होगा ना एनर्जी तो रिलीज से स्टेबिलिटी आती है तो इसका रीजन हो गया डिक्रीज इन एनर्जी तो केमिकल बॉन्ड क्या है फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्डेस्टेबल मॉलिक यही है ना उसके बाद बी पॉइंट देखो इट इज यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स दो या दो से ज्यादा आपस में बॉन्ड बनाते हैं सी देखो उसमें क्या होता है डिक्रीज इन एनर्जी एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ तो द तो बॉन्ड तो जो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज किया उतना स्टेबल जैसे दो हाइड्रोजन आइटम आपस में बॉन्ड रिलीज एस टू बनेंगे तो बॉन्ड रिलीज करेगा एस टू बॉन्ड रिलीज हुआ एस टू बॉन्ड बना तो एनर्जी मान लो टेन जूल रिलीज हो गया तब तुम टेन जूल लोगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वापस ब्रेक होके दो हाइड्रोजन आइटम बनेगा यही है ना तो जो जितना एनर्जी रिलीज किया बॉन्ड बना के वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगा उतना उसे वापस दोगे तो ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब एनर्जी रिलीज हो रही है फ्लो चार्ट ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग दिया हुआ है एक तो हो गया ऑक्टेट ऑक्टेट्रोल में आ जाएगा लुइस स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज रेजिनेंस, तो ये कैसे होगा ये सब बाद में आएगा सिर्फ आज जो हम लोग आयनिक बॉन्ड करना आजकल में वही आने वाला है और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आयोनिक अट्रैक्शन एट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड और टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखोगे तो केमिकल बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कोर्डिनेट बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड यह सब बाद में आएगा आयोनिक अभी आएगा है ना आयोनिक के अंदर बहुत सारे पॉइंट है वो अभी हम लोग करेंगे और ये कोवेलेंट के अंदर जो पॉइंट है वो बाद में जाएगा कोऑर्डिनेट भी बाद में जाएगा मेटेलिक भी बाद में जाएगा फोर्स ऑफ तो प्रोटेक्शन में दो तरह के बॉन्ड आ गए कौन कौन सा आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाल फोर्स आयन डायपोल 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 यही रहेगा टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखोगे तो ऑर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बैक बॉन्डिंग मल्टी मल्टी सेंटर बॉन्ड उसमें बनाना बॉन्ड है इस तरह से तो ये सब भी बाद में देखेंगे नाउ कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या हो गया ये तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो गए तुम्हारे पास ओवरव्यू आ गया कि क्या क्या हो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या क्या बोला गया क्यों केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो फर्स्ट पॉइंट हो गया डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पहला हो गया डिक्रीज इन एनर्जी केवल बुकलेट पढ़ के चल जाओगे केमिकल बॉन्डिंग का बहुत होता है वैसे नोट्स में भेज दूंगा इसका ये सब जो भी डिक्रीज इन एनर्जी डिक्रीज इन एनर्जी क्या होता है कि कभी भी अट्रैक्शन फोर्स होगा तो एनर्जी वो डिक्रीज करेगा ही करेगा यही होता है ना जब दो एटम क्लोज आएंगे तो क्या होगा दो एटम के बीच में क्या क्या है दो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को प्रोटॉन आपस में रिपेल करेंगे दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन आएगा अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि केमिकल ले कॉम्बिनेशन ले इस तरह से न्यूक्लियस हो गया यहां पे हो गया न्यूक्लियस और ये दूसरे का न्यूक्लियस अब इसके पास यहां पे इलेक्ट्रॉन और इसके पास इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा बॉन्ड होगा रिपल्शन बिटवीन टू न्यूक्लियाई इस पे ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा बाकी और दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर भी रिपल्शन फोर्स लगेगा टू न्यूक्लियाई रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स अब थर्ड आएगा अट्रैक्शन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करने का कौन सा फोर्स हो गया इसके इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही हुआ ना और इसके इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा तो सर जो दो नाइट्रोजन आ रहे हैं क्लोज तो एन टू बनेंगे एन टू क्लोज क्यों आ रहा है अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी तो क्लोज आ रहे हैं ना? हुआ ना तो इसमें ओवरऑल फोर्स क्या होता है अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स तो जब दो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा तो इसका कर् जब हम लोग पढ़े पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे तो यहां पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी एस टू बी जीरो जब दो न्यूक्लियस यहां पर हैं एस एस जैसे ऐसे क्लोज आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में तो क्या होगा ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुआ एक सर्टेन समय के बाद वो रिलीज होना बंद हो रहा है सर्टेन समय के बाद वो ये एक कर्व है जो आते रहता है ना तो यहां पर पो पोटेंशियल एनर्जी में क्या मान लिया यहाँ जीरो मान लो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जब दो न्यूक्लियस इंफिनिटी पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो जैसे मैंने बता था, बताया था पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन एटम का यह बताया था ना कि हाइड्रोजन का अच्छा बताओ कौन बताएगा यहाँ पे एनर्जी का माइनस क्यों होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह अब किसको याद है एंड एक्सप्लेन मी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव कैसे हो सकती है ऐसे no कर हो सकता क्यों निगेटिव आया किसी को नहीं पता हाँ दुर्वश चार्ज नो नो इट वाज़ नॉट चार्ज ओके तो ये भूल रहे तो क्या था ना देखो कभी भी अट्रैक्शन रिलीज होती है तो वहां पे एक जम्सन था कि न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना तो दोनों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा ऑलमोस्ट जीरो तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हम लोग जीरो एज्यूम कर लेते हैं है ना अब वो नजदीक आएगा तो एनर्जी रिलीज हुआ अब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है तो जब अट्रैक्शन फोर्स नजदीक आया तो एनर्जी रिलीज हुआ तो जीरो से रिलीज होगा कितना होगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स हाँ रेडियस इंफिनिटी से कम करते हुए एक सर्टेन रेडियस पे आ गया तो अट्रैक्शन फोर्स से जब क्लोज आएगा तो एनर्जी रिलीज हो गई अब मान लो कि किसी लेवल पर तुम्हारे हाथ में पेन है उसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तुम बोलोगे एमजीएच मैं बोलूंगा हाइट कहां से ले रहा हो पोटेंशियल एनर्जी एक रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि तुम सीलिंग uh, से हाइट ले रहे हो कि सी लेवल से ले रहे हो कि ग्राउंड फ्लोर से ले रहे हो कि अर्थ के लेवल से ले रहे हो कहीं से भी ले रहो इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिफाइंड एज एनजीएच नॉट द पोटेंशियल एनर्जी ये तुम लोग को याद हो कि यहां से यहां जाने में एच हाइट है, है ना ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है मतलब यहाँ टेन जूल था और ये एमजीएच मान लो कि फिफ्टी जूल हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी तब 60 जूल हो जाएगी। और ये यही पे एनर्जी जूल के जगह मान लो फाइव हंड्रेड जूल था और ऊपर जाके फिफ्टी बढ़ गया था फाइव फिफ्टी हो जाएगा ये कंसेप्ट याद है सबको कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होता है तो जितना होगा उससे ऊपर हुआ क्लियर ऊपर के लेवल पे जीरो है तो यहाँ पे नीचे लेवल पे माइनस पचास होगा यही होगा ना मतलब एक बात बताओ डिफाइन है। मैं तुम्हें हंड्रेड रुपीज दे देता हूं अब तुम्हारे पास कितना पैसा है? मुझे क्या क्या पता बता सकते हो क्या ये तो मैजिक हो जाएगा कि मैं तो मैंने तुम्हें हंड्रेड दिया और बता दू तुम्हारे पास कितने है? हो सकता है कि तुमने चारों उधार लेके खा पी के बैठ गए होगे गए माइनस दो सौ रुपये तुम्हारे पास कर्ज होगा और मैंने मैंने तुम्हें दिया दिया था 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 तुम्हारे तुम्हारे पास पास बचे यही होगा ना या फिर तो कि पहले ही से 300 था, मैंने 100 दिया था, 400 हो गए इलेक्ट्रॉन तो तो जब इंफिनिटी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया अब अंदर की ओर आया वर्ट अट्रैक्शन फोर्स कर दिया तो पहले ही से जीरो था तो रिलीज किया 13.6 तब कितना बचा? माइनस 13.6 क्लियर ना यदि इनफिनिटी पे हम लोग ने एजम्प्शन मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 100 है वो तब ने ऊपर है कितना है क्या पता मान लिया 100 जूल है तब अंदर आएगा था 13.6 रिलीज कर देता तब उसकी एनर्जी हो जाती 100 माइनस सबको क्लियर हो अभी ये क्या कंसेप्ट में बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे ऊपर होता है जीरो एज्यूम किया अब उससे कितना चेंज हुआ वो देखा जाता है जैसे तुम जैसे कि तुम्हारे पास जीरो रुपए थे और तुमने दस रुपए का कुछ खा लिया जाकर बाहर तो तुम्हारे पास हम माइनस टेन बच गए निगेटिव बैलेंस हो गया ना हाँ अब उसको उतनी एनर्जी दे दोगे ना थर्टीन पॉइंट सिक्स तो वो वापस जीरो हो जाएगा मतलब वापस ये डील टू तो इंफिनिटी पे चला गया डी टू तो इन्फिनिटी पे था तो एनर्जी जीरो था ये एजम्पसन है क्यों करना पड़ा बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट्सलूट टर्म है ना एप्सुलट टर्म नहीं है वो एक एजम्पन लोगे तो बाकी दूसरे का बता सकते हो अब समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हुआ कि यहाँ पे जीरो मान लोगे तो यहां पे अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स ये क्या है रिपल्सन फोर्स है रिपल्सिव है और यहां पे क्या हो गया अट्रैक्शन फोर्स है ना तभी तो अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन तो ये जाएगा ना ऐसे क्या है और इस पॉइंट पे पहुंच के क्या होगा नीचे पे अब देखो पोटेंशियल एनर्जी रुकना बंद हो गया मतलब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू रिपल्सन फोर्स मतलब बॉन्ड बन चुका अब और यहां पे एक बार अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स आ गया अब दो मतलब दो हाइड्रोजन आइटम खुद से इतना क्लोज आए अब एक जगह आकर रुक गए अब जितनी एनर्जी रिलीज करनी थी रिलीज कर दी उसी एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी कि अच्छा हाँ इतनी एनर्जी रिलीज किया जैसे हाइड्रोजन थर्टीन पॉइंट सिक्स रिलीज किया तो उसकी एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स होगी तो यहां भी उतनी एनर्जी रिलीज कर दी ना उसने मान लो ट्वेंटी जूल रिलीज किया दो हाइड्रोजन आइटम ने मिलकर तो टोटल ट्वेंटी जूल उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी ट्वेंटी जूल दो तो वापस दोनों हाइड्रोजन ब्रेक होंगे और यहां पे आकर रुक गया अब ये जो डिस्टेंस था इस डिस्टेंस को तब हम लोग क्या बोलेंगे यहां से यहां ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ अब आके जितना पर रुक गया मान लो टू एंगस्टम पर आकर दोनों आके रुक गए तो तुम बोलोगे बॉन्ड लेंथ हो गया अब यहां पर क्या हो गया रिपल्सिव फोर्स इज ग्रेटर देन अब तुम फोर्स लगाओगे तब वो दोनों नजदीक आएंगे फोर्सफुली क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स जीरो हो चुका अब तुम फोर्स लगाकर जबरदस्ती उसे प्रेस कर रहे हो अंदर को तो तुम्हारी एनर्जी अंदर जा रही है ना इसकी एनर्जी क्या हो होगी इन्फिनिटी को जानी स्टार्ट हो गई तो जितना क्लोज आते गया इधर आओगे इस साइड इस साइड में ये क्या हो गया यहां पे स्टिक करना स्टार्ट हुआ उसकी एनर्जी बढ़ती गई ना तुमने अपनी एनर्जी इसमें डाली हाँ नाउ टेल मी व्हाट इज द डाउट इज इट क्लियर फॉर एवरी मन बताओ okay, yes. वो और का वो वो का समझ में नहीं। वो ना uh, किसके बीच में रिपल्सन था बताओ जो मैंने बताया दो न्यूक्लियस नजीक आ रहे हैं तो किस किसके बीच में रिपल्सन होगा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस 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 में रिपल्शन होगा ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ओवरऑल अट्रैक्शन फोर्स है तभी तो क्लोज आ रहे हैं नहीं तो क्यों आएंगे दो ऑक्सीजन आइटम को क्लोज छोड़ दो वो टू आ जाते हैं बन जाता है ना क्यों आ रहे हैं दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स किसका है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जब तक अट्रैक्शन फोर्स रहा तब तक तो दोनों नजदीक आते गए आते आते जब तक नजदीक आते गए लगातार एनर्जी रिलीज करते है ना? हाँ। पर आगे, आगे नजदीक नहीं आ रहे बैलेंस तो हो गया समझ में आया न हाँ। अब उसको तुम प्रेस करोगे तब अंदर की ओर जाएंगे तो वो तो तुम्हारी एनर्जी अंदर डाल लो जैसे ही तुम छोड़ोगे वापस आ जाएगा स्प्रिंग की तरफ कैसे स्प्रिंग एक पोजिशन फिक्स है जब रस्से प्रेस कर रहे हो तुम तो। जैसे छोड़ोगे स्प्रिंग वाप, वापस आता है ना तो क्यों आ रहा है जब उसको कंप्रेस करोगे तो कौन सा फोर्स ज्यादा पड़ रहा है रिपल्सिव फोर्स ज्यादा पड़ रहा था इसलिए तुम्हें अपना एनर्जी डालना पड़ा अंदर इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी की ओर जाएगी मतलब दो टू मॉलिक्यूल यदि वन पॉइंट टू है तो उन्हें वन पॉइंट टू पर ही रहने दो उसको फर्दर कंप्रेस करोगे तो तुम्हारी एनर्जी उसमें जाएगी हाँ बोलो हाँ, समझ में आ ठीक है ओके चलो तो और सबको भी समझ में आ गया अभी नेक्स्ट पॉइंट करें ओके इसके बाद हो गया दूसरा था ऑक्टेटूल तो बॉन्ड क्यों होता है टू व्हाट टू गेट द स्टेबिलिटी बाई रिलीजिंग एनर्जी यही है ना लुइस कौसल ये दिया हुआ था साइंटिस्ट है ना लुइस एंड कॉसल ने यह थे ऑक्टर टूल वॉज गिवेन वाई ऑक्टर टूल वॉज गिवेन वाई लुइस एंड कॉसल है ना उसने बोला ऑक्टेट सबका कंप्लीट होता है इसलिए होता है बट उसके बहुत सारे एक्सेप्शन हो गए है ना जैसे उसने बताया सी एच फोर में ऑक्टेट है ए इलेक्ट्रॉन है सी ओ टू बनाओगे ऑक्टेट है, है सबका उसने बनाया इलेक्ट्रॉन बट इसके बहुत आ गए ऑक्टेट तो वैलिड ही नहीं है ठीक है ऑक्टेट जो बनाता है जो ऑक्टेट ऑप्टेट है स्टेबल है इसका मतलब ये नहीं कि जब जबरदस्ती ऑक्टेट के लिए ही बॉन्ड होता है बहुत सारे हैं इंजिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है है ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट तो ये इसका ड्रॉबैक था कॉन्ट्रेक्शन क्या हो गया जैसे कि बी एफ थ्री बी एफ थ्री के पास बोरॉन पास कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तीन होते हैं ना के पास थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये है ना हाँ। तो कितना बॉन्ड बनाएगा तब तो तीन ही बॉन्ड बना पाएगा फ्लोरीन आया यहाँ से यहाँ पर आया है? ऐसे ये सबको शायद ये मालूम होगा क्या मैं बता रहा हूँ क्रॉस एंड डॉट तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इसके पास टोटल कितने हो गए ये सिक्स हुआ है ना तो ऑक्टेट कहाँ है फिर भी स्टेबल है उसके बाद भी स्टेबल है इसका मतलब ऑक्टेट के लिए होता ही नहीं किसके लिए होता है स्टेबिलिटी के लिए जब फ्लोरिन बोरॉन से बॉन्ड बनाया था एनर्जी रिलीज हुई दैट्स इट स्टेबल हो गया वो सब ओल्ड कंसेप्ट है कि ऑक्टेट करोगे तो स्टेबल होगा है ना बिना ऑक्टेट वाले बहुत सारे हैं एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन भरे हुए यहाँ पे कितना हो गया बेरेली के पास फोर इलेक्ट्रॉन ही हो गए फ्लोरीन का एट है ठीक है फ्लोरिन का ऑक्टेट कंप्लीट है फ्लोरिन का ऑक्टेट है बट बोरॉन का नहीं था इसी तरह का नहीं था इसके बाद भी स्टेबल है और दूसरा हो गया एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑक्टेट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट एक्सपेंशन में सोचो कि फॉस्पोरस है वो फाइव बॉन्ड बना ही रहे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फॉस्पोरस के पास क्या एटी इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं दो दो इलेक्ट्रॉन करके यहां से दो इलेक्ट्रॉन के दो इलेक्ट्रॉन के दो इलेक्ट्रॉन के दो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने दिख रहे हैं टेन इलेक्ट्रॉन फिर भी स्टेबल है ये एसओ थ्री वो इस तरह से बनाता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? टोटल सिक्स बॉन्ड मतलब ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन है ना आई एफ सेवन सेवन बॉन्ड डायरेक्ट दिख रहा है फोर्टीन इलेक्ट्रॉन बट ऑल आर स्टेबल है ना ऑल आर स्टेबल ऐसे नॉट गैस

एक्जी एफ टू में कितना होगा जेनॉन के पास जेनॉन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कोई बता सकता है एक्जी टू एफ टू में कितने होंगे एट है नहीं जेनॉन नहीं जेनॉन के पास ही एट थे एट हो गया दो तो दो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा बनाएगा ना और दो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना जाए एक इधर एक इधर तो जेनॉन के पास कितने बच गए चार इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने के लिए बाहर आ गए तो दो तो बचे होंगे ना अभी

चार बॉन्ड उससे एट प्लस यहाँ पे फोर है ना बॉन्ड पेयर इसके पास कितने हैं फोर जो बॉन्ड बनाए वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं फोर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर अलोन विच नॉट रिएक्ट वो दो है टोटल सिक्स पेयर है ना मतलब टूल्व इलेक्ट्रॉन ना एक्टूट बताओ कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हो गए सिक्स बॉन्ड तो चाहिए ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाना है राइट सिक्स बॉन्ड तो चाहिए था छह बॉन्ड चाहिए ना चल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा तो दो डबल बॉन्ड मतलब चार बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ गया दो फ्लोरीन के साथ सिक्स इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने चले गए तो एक तो बचा ना एक मान लो लोन पेयर हो गया तो बाकी क्या होंगे डबल बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन ऐसा कुछ होगा तो जेरोन के पास कितने हो गए जेरोन के अपने इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं लोन पेयर में और टोटल एट थे एट में ये बनाने आ गए छह बॉन्ड बनाने आ गए तो उसका डबल बन गया पेयर में ट्वेल्व हो गया और वहां से दो तो आ गए तो जेनॉन के पास क्या हो गया फोर सिग्मा वन लोन पे फाइव और यही फाइव मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन बाद में बट ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं रहा ना टोटल कितने पेयर हो गए सिग्मा वगैरह भी की जरूरत नहीं थी वैसे इसकी जरूरत नहीं थी रुको तुम्हें बॉन्ड पेयर लोन पेयर अभी केवल बता रहा था इसके पास टोटल कितना हो गया सिक्स बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर तो टोटल सेवन पेयर मतलब फोर्टीन इलेक्ट्रॉन अब बताओ अभी सबको क्लियर हुआ कैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ओके तो टू में बता दो कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर है एसओ so टू

एस ओ टू हाँ फोर बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर हाँ आनंदी फोर पेयर फोर बॉन्ड पेयर फोन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ना एक ही बचा हुआ था एक्जी ओ टू एफ टू में मीत कितना बता रहा रो तीन पेयर नहीं ऑक्सीजन ही चार बॉन्ड बना लेगा एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है दो ऑक्सीजन है फोर बॉन्ड तो ऐसे ही हो गया दो फ्लोरिन में बनाया जाता है सिक्स बॉन्ड पेयर ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिक्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं XeO2F2 में हाँ हार्स प्रताप बोलो सर ये XeO2F2 में फोर बॉन्ड पेर रहेंगे ना नहीं नहीं अभी तो बताया छः बॉन्ड है ध्यान से देखो छः बॉन्ड नहीं देखना मैंने छः बॉन्ड बनाए हैं देखो कितने बॉन्ड बने हुए हैं हाँ हाँ तो चार कैसे बॉन्ड हैं ना सिक्स बॉन्ड्स आते हैं सर तुम्हें लर्न करना पड़ जाएगा कि किसमें कितने बॉन्ड है ओके okay. इसके अलावा एक क्या हो गया तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या हो गया जैसे कि नाइट्रोजन ले लो एन दो नाइट्रोजन के पास कितना था तीन इलेक्ट्रॉन तीन बॉन्ड थे वो बना सकता था ऑक्सीजन के पास क्या था दो ही था बाकी तभी ये लोन पेयर है तब ये कैसे बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड बना लिया ये बॉन्ड बना लिया और यहां पर क्या हो जाएगा ना कि ये पेयर तो एक साथ जा सकता था एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है ये पेर, पूरा पेयर ही उठ के यहां पे आ जाता है ये पेयर उठ के यहां पे आ जाएगा ये थ्री इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड हो गया ना आ, तो ये थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो इसको क्या बोलोगे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एनो एच टू प्लस दो हाइड्रोजन के बीच में क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन तो है इसी एक इलेक्ट्रॉन पर दोनों का बॉन्डिंग है ना ये वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो तो गया ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बोलता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो वन होगा या थ्री होगा फाइव का बॉन्ड नहीं आता बट ये भी ट्रांजिशन मीटल एलिमेंट उसमें ऑक्टेट तो किसी का नहीं है मोस्टली बिना ऑप्टेट कहीं है जैसे एफ ई सी एल टू ले लो तो आयरन का स्टेट प्लस टू इसका माइनस वन आयरन होता कितना है थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी फाइव यही है ना तो एफ ई टू प्लस हो गए तो वो हो गया थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी फाइव थर्टीन इलेक्ट्रॉन यही है ना हाँ तो एफ टू प्लस का हो गया थ्री एच टू थ्री पी सिक्स थ्री डी फाइव यही है ना अब ऑक्टेट इसका कहां पर है नहीं है ना अब तो एम एम एन सी टू का देख लो ये प्लस टू है इसका भी वही दिखेगा थ्री एच टू थ्री पी सिक्स थ्री डी फाइव इसके पास भी तो थर्टीन इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट तो है ही नहीं तो ट्रांजिशन मेटल का देख तुम देखोगे CuCl2 देखो अब इसको बताओ इसका कौन सा ऑक्टेट कंप्लीट है कॉपर का कितना होता है 4s1 3d10 याद होगा कंप्लीट वर्शन 3s2 3p6 तो 4s1 होता है तो 4s पे तो जीरो हो गया और 3d9 हो गया है इसके पास तो बैलेंस में 17 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट कहाँ हो रहा है यही है ना और एक था इनर्ट पेयर कंफिग्रेशन इनर्ट पेयर तक कर दिया था हम लोगों ने इनर्ट पेयर कन्फिग्रेशन मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच बिकम्स इनर्ट मैंने बताया था पी ब्लॉक में था ये हैवियर एलिमेंट कार्बन सिल्कन जर्मेनियम टिन एंड लेड लास्ट वाले के लिए वैलिड है पीवीसीएल टू इधर थैलियम इसको अगले बताता तो मैंने बताया था कि वो दो बॉन्ड कम बनाते हैं बोरॉन तीन बॉन्ड बनाएगा एल्यूमिनियम थ्री बॉन्ड बनाएगा बट ये पी एल सी एल बनाता है लेट पीवीसीएल टू बनाता, बनाता है इसका देखोगे तो ऑक्टेट नहीं है सबका कन्फिग्रेशन सिक्स एस टू ही है ये क्यों सिक्स था है, होता अब उसका शेल्डिंग इफेक्ट इतना कम है कि सिक्स एकदम क्लोज टू न्यूक्लियस आ जाता है अब क्लोज टू न्यूक्लियस आ गया तो इनर्ट हो गया हाँ, तो ये सब इनर्ट फेयर इफेक्ट हो गए पीएलसीएल पीबीसीएल तो इसमें ऑक्टेट किसी का नहीं है अब देखो पीवीसीएल फोर प्लस फोर है फिर भी स्टेबल है बट इट डिसबल है ना बट पीबीआई फोर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्यों लेट जब जाओगे प्लस फोर में स्टेबल करने के लिए तो ये आई माइनस एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट वो इसको रिड्यूस करके प्लस टू में ले जाता है और खुद आई टू बन जाता है तो यहाँ पी वी आई टू में कन्वर्ट हो जाता है तो जैसे ही लोग पी वी आई फोर बनता ही नहीं ये क्लियर हुआ अभी तो किया था अब ये वाला पॉइंट जो मैंने बताया ये तो खैर पी ब्लॉक में आएगा अभी तो नहीं पूछेंगे वो ओके okay. अब इसके बाद क्या हो गया हाँ इतना तक क्लियर हो गया सबको इन हट इफेक्ट तक जो बताया था राइट right. अब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या था कैसे हो फॉर्म होता है इसमें क्या होता है इलेक्ट्रो बॉन्ड में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे निगेटिव चार्ज आएगा एक बॉन्ड बन गया जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन व्हाट द ऑपोजिटली चार्ज आयन इज कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रो वैलेंट एग्जाम्पल एक अलकली अल मेटर ले लो या अलकलाइन अथमेटर ले लो एन एस सी एल सी एस सी एल टू एस एफ कैसे फॉर्म होता है ये बहुत पहले से सबको मालूम होगा होता क्या है क्यों होता है पार्ट सबको क्लियर ही होगा कि सोडियम में क्या होता है टू एट वन ऐसे लिखे तुम लोगों ने ऐसे करके पढ़ा होगा और क्लोरिन का पढ़ा होगा टू एट सेवन ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे बैलेंस में कितना है इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन है इसको ट्रांसफर कर देता तो दोनों का ऑप्टेट बन गया ये हो जाएगा एन ए प्लस और ये हो गया सी एल माइनस अभी हो गया, हो गया eight, octet, दो, दोनों का हो गया बट एन एस सी एल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट करेगा तो सॉलिड फॉर्म में तो सॉलिड फॉर्म जैसे एन एस सी एल सॉलिड होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एन ए प्लस सीएल माइनस एन ए प्लस सीएल माइनस ऐसा होगा था एन एस सी एल का कोई पूछे वॉट इज द मॉलिकुलर मास कैन यू टेल मी द मास ऑफ मोलिकुलर मासमन नहीं होता ये सर करेक्ट NACL ना मॉलिकुल है ना मॉलिकुलर मास होता है यू कैन नॉट से मॉलिकुलर मास ऑफ NACL ऐसा टर्म ही नहीं देखोगे व्हाट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ़ ये है इज़ नॉट अ मॉलिकुल मॉलिकुल नहीं है इसका क्या होता है फॉर्मूला मास होता है सो फॉर्मूला मास ऑफ एन होता है जो फॉर्मूला लिखा ना उसका फिफ्टी एट पॉइंट फाइव आएगा फॉर्मूला मास ऑफ एनेसियल मोलर मास आएगा मोलर मास मतलब एक मोल का क्या मास होगा तो मोलर मास ऑफ एनेसियल आता है 58.5 ग्राम हाँ येकल फार्मूला मतलब तो किस रेशियो में वही बताना था सर ओके okay. इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड हो गया एम जी एफ टू के बीच का बॉन्ड क्या होगा एम जी के पास टू एट टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरिन को दे देगा ये होगा ना हाँ तो वो फ्लोरिन के पास सेवन इलेक्ट्रॉन होता है एम जी आएगा यहाँ पे सब फ्लोरिन फ्लोरिन राइट right? फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन थे थे ये इसको एक एक इलेक्ट्रॉन एक चाहिए दोनों एक-एक इलेक्ट्रॉन एक दे देता है बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ, आ जाएगा ना वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कंडीशन फॉर फॉर्मिंग लैटिस एनर्जी भी डिफाइन किया था ना हाँ कंडीशन फॉर फॉर्मिंग कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो इसके लिए क्या क्या सुटेबल कंडीशन है एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनएससीएल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनएसएल सॉलिड लोगे तो क्या क्या होगा तुम्हें क्या लेना पड़ेगा सोडियम सॉलिड लोगे तुम्हें एनएसियल बनाना है क्या करोगे NACL जैसे एक मूल बनाना है मतलब 58.5 ग्राम पॉइंट फाइव ग्राम क्या इमेजिन करो कि एक क्रिस्टल मिल गया तुम्हें 58.5 ग्राम पॉइंट फाइव ग्राम का उसको फॉर्म करने के लिए तुम सोडियम लाओगे सोडियम किस फॉर्म में मिलेगा सॉलिड मिलेगा क्लोरीन लेके आओगे कितना क्लोरीन लाओगे क्या थ्री क्लोरीन लेकर आओगे क्या तो ज्यादा हो गया ना कितना क्लोरीन ले हाँ हो ना, तो होगा हाफ सीएल यही है ना एनएसएल सॉलिड हो गया अब uh तो सॉलिड तो को एन ए गैस बनाना है तो यहाँ पे सोचो ये कैसे बनाए प्लस सीएल एन ए प्लस सीएल बताया ना थ्री डी अरेजमेंट हो जाएगा लगातार एन ए प्लस उसका चार ओर सीएल माइनस फिर सीएल माइनस एन ए प्लस तो पहले तो सारे सोडियम ब्रेक हुए होंगे यहाँ तो तो जो एनर्जी देते हो तो डेल्टा सबलिमेशन किस का एन ए सॉलिड का इतना एनर्जी दोगे तो होगा और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ ये कल आएगा इंथालपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनएससीएल सॉलिड डेल्टा एच मतलब एनर्जी रिलीज एफ फॉर फॉर्मेशन एन एस सी एल सॉलिड इसके अंदर के स्टेप ये हो गए अब इसको भी ब्रेक करना होगा तो यहां भी एनर्जी देनी पड़ेगी कितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बट हाफ मोल लिया, तो हाफ इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी एल टू अभी देखते जाओ धीरे धीरे क्लियर होगा अब सोचो कि तुमने एक मोल एन सॉलिड लिया उसको पूरा गैस बना दिया सब एन अलग अलग हो गए यहाँ पे भी सब क्लोरीन अलग अलग हो गए अब अगले स्टेप में क्या होगा एन गैस एन प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन बन जाए यहाँ पे क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी आगे ये होगा ना अब सारे जितने भी एन ए गैस थे वो एन ए प्लस गैस में बन गया और इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कैप्चर करेगा और किस में आएगा सीएल माइनस गैस बन गया तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब तुम्हारे पास एक मोल एन ए प्लस है एक मोल सीएल माइनस जब ये क्लोज आके आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनाते थे याद आई है इट फॉर्म्स लैटिस एनर्जी याद आया

into bond dissociation energy of chlorine third ho gaya ionization energy of sodium fourth ho gaya sodium gas hoga sorry fourth mein electron affinity of cl gas and fifth ho gaya lattice energy panch process mil ke wo solid bana इसमें से endothermic कौन सा होगा ये दोनों क्या होगा इसका delta H negative होगा ये energy release कर रहे हैं और बाकी सब डेल्टा एच पॉजिटिव वाले ये तीन क्या हो गए इसका डेल्टा पॉजिटिव हो गया ओवरऑल एन एस सी एल बना है तो उसने एनर्जी रिलीज की है तभी तो स्टेबल है ना अब तुम उसे हीट दो तो ब्रेक होगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करो तो एन एस सी एल मेल्ट हो तो रहा है एन तो एस सी एल फॉर्म हुआ यह कुछ भी दुनिया में दिख रहा है तो मैं वो एनर्जी रिलीज कर रहा है जैसे फैन बना हुआ है तो फैन ने एनर्जी रिलीज की है बहुत सारे मेटल आके क्लोज बने तो एनर्जी रिलीज करके स्टेबल है अब जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करे फैन का एक एक मेटल एक एक एटम अलग हो जाएगा मेल्ट होके वेपराइज होके सब इधर उधर चले जाएंगे तो नेचर में जहां भी बॉन्ड दिख रहा है कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में हो रहा है वो तो कही कहीं ना कहीं बॉन्ड बना के उसने एनर्जी रिलीज किया है इसलिए वो स्टेबल अब किसी ने तुमने सॉलिड बना दिया और उसने एनर्जी अब्जॉर्व किया तो अनस्टेबल हो गया जैसे एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव हम लोग बना कर रखते हैं एनर्जी दे के उसको बना कर रखते हैं तो उसको थोड़ा भी इग्नाइट करते हो तो पूरा एक्सप्लोर कर जाता हो सारी एनर्जी बाहर आ जाती है तो कोई भी चीज स्टेबल हो रहा है जैसे एन एस सी इसका मतलब उसको फॉर्म करने में एनर्जी रिलीज हुई है और एन टू अनस्टेबल है इसका मतलब उसको फॉर्म करने में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एनएससीएल थ्री सॉलिड नहीं बनता मतलब उसको भी फॉर्म करना डिफिकल्ट है उसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो नहीं बनेगा क्यों वो अनस्टेबल करते एफिसियल टू एक्सिस्ट करता, है, करता है, not, energy, इसका मतलब रिलीज कर है ना और एफिसियल फॉर एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है अभी बताओ ये पॉइंट ओके okay. इसी के केस पे मुझे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोई और एक बताओ एनजीओ का बताओ क्या क्या स्टेप होगा इंथाल्पी ऑफ और... हाँ तो ये तो बताए नहीं कि इसमें ओवरऑल एनर्जी रिलीज के लिए कौन सा फैक्टर फेवरेबल होगा जितने एंडोथर्मिक है जो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे हो जितना कम एनर्जी ऑब्जॉर्व कर उतना अच्छा और जो एनर्जी रिलीज करने वाले फैक्टर वो ज्यादा रहे हैं. मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ़ द बोलोगे ना लैटिस एनर्जी हाई हो जाए उतना अच्छा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो ये ये दो क्या थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी फेवरेबल फैक्टर है एनर्जी रिलीज करते हैं तो बाकी सब अनफेवरेबल है जितना कम रहे उतना अच्छा वो एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं तो क्या है फॉर्मेशन या इलेक्ट्रोवेंट बॉन्ड लो आयोनाइन एनर्जी ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए हायर होना चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल नॉन मेटल जो है वो तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना और एनर्जी ओवरऑल सबसे बड़ा फैक्टर लैटिस एनर्जी लैटिस एनर्जी शुड बी हाई जितना हाई हुआ उतना बेटर यही सबको बैलेंस करता है तो बॉर्न जो ओवर था बॉर्नबस साइकिल था उसके बॉर्न साइकिल बॉर्न साइकिल ऑफ एमजीओ बनाना है तो क्या क्या होगा एमजीओ सॉलिड होगा कोई भी ये मॉलिक्यूल नहीं होते सब सॉलिड होते हैं। MgO सॉलिड बनाना है तो क्या लोगे तुम एम लेकर आओगे कितना सॉलिड बना के लाओगे ऑक्सीजन कितना लाओगे हाफ O2 लाओगे गैस पूरा ओ टू नहीं लाओगे O2 ऑक्सीजन एक ही चाहिए था ना अब इसके फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है पहले स्टेप में क्या होगा इसको पूरा गैस बनाओ पहले डेल्टा सब्लिमेशन एम गैस बन गया दूसरे में हाफ बी दे दे एनर्जी तो बन गया अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर करो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो क्या होगा कितना एनर्जी लेना पड़ेगा आई वन प्लस आई टू दोनों बाहर करना था ना अब ये दोनों ऑक्सीजन के अंदर गया ओ टू माइनस गैस बन गया तो अभी क्या आएगा ये वन प्लस टू ना और एट द लास्ट ये दोनों कंबाइन करके एनजीओ बन जाते हैं यहाँ पे जो एनर्जी लीज हुआ दैट इज लैटिस एनर्जी सर ऑक्सीजन में हमने ए uh, वन और ए टू में लिया ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाँ, क्लोरीन भी सर वैसे ही था ना सी टू ही था बट वो दो अलग अलग क्लोरीन थे नहीं एक ही क्लोरीन था तो, उसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया मान लो कि पी थ्री माइनस बन गया मतलब फास्फोरस के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन गया तो ई ए वन प्लस ई ए टू प्लस ई ए थ्री हो जाएगा अच्छा ओके okay. तो इसका एंथर्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर हो गया इसमें एंडोर्जी के स्टेप कौन कौन से है ये भी पॉजिटिव है ना सब एंडिक है ये, ये सब के सब डेल्टा एच पॉजिटिव वाले हैं सब में क्या है एनर्जी री एब्जॉर्ब होती है क्योंकि यही होता है डेल्टा एस नेगेटिव तो लैटिस एनर्जी कंपनसेट ऑल द एनर्जी लैटिस एनर्जी कंपनसेट ऑल द एनर्जी लैटिस एनर्जी कंपनसेट ऑल द एनर्जीज मतलब लैटिस एनर्जी में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एमजीओ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है तो तुम्हें मालूम है कि एमजीओ का क्लॉथ बनाते हैं एमजीओ को फर्नेस का लाइनिंग बनाते हैं थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मेल्ट नहीं होता इतना हाई लैटिस एनर्जी होता है एमजीओ कैल्सियम ऑक्साइड है ना तो कई जगह इसका यूज किया जाता है ऐसे मतलब आ, इतना ज्यादा मतलब जल्दी मेल्ट नहीं होता तो फर्नेस के अंदर यही लगाया जाता है कोई भी आयरन का तुम फर्नेस बनाओ तो आयरन कोई भी मेटल होगा तो मेल्ट करने लगेगा ये बोले ये इससे बना दोगे ना लाइनिंग बना दोगे तो बर्न ही नहीं होता एन में इतना हाई एनर्जी होता तो लैटिस एनर्जी ही इतनी होती है ना आई थिंक वन है साइकिल क्लियर हो रहा है हाँ ये वन प्लस पॉजिटिव था ये भूल गए क्या तुम लोग ये ओवरऑल पॉजिटिव है वन प्लस ये टू ये वन निगेटिव था ये टू पॉजिटिव था बट ओवरऑल एनर्जी देना पड़ता है ओवरऑल डेल्टा टू पॉजिटिव मैंने बताया था ना कि ऑक्सीजन को दोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेके बैठा रहेगा दूसरा लेता ही नहीं फोर्सफुली डाल दोगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन तुम्हें फोर्सफुली पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब ही रह जाती याद आया वो ऑक्सीजन वाला जो बताया था तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ओके okay. एक तो ये हो गया अब मुझे इसका तुम किसका बताओगे एल टू ओ थ्री का बॉन्ड है पर बता सकते हो क्या डेल्टा एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल टू ओ थ्री सॉलिड इसके लिए कौन कौन से स्टेप होंगे कितने मोल एल्यूमिनियम लोगे दो मोल एल्यूमिनियम लाए होगे तो टू इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड अब साइकिल इसका बना रहे हो प्लस और क्या क्या होगा बताओ थ्री बाई टू मॉल ओ टू है करेक्ट तो थ्री बाई टू इंटू गुड आगे बताओ और टू का थ्री बाई टू मॉल गया प्लस लेक्चर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है कल ओवर हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री हाँ आयुष अब एलुमिनियम से ती, ये तुम्हें एलिमिनेट करना पड़ा ये और दो एलुमिनियम है ना टू इंटू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री ऑफ एल्यूमिनियम दो मोल एल्यूमिनियम थे इसलिए उसके बाद थ्री बाई टू कैसा आया एल टू ओ थ्री में तुम्हें ओ टू लेके आना है। तो ओ टू का कितना मोल लाओगे तुम्हें एल्युमिनियम ऑक्सीजन आइटम तो मिलता नहीं है मिलता क्या है तुम्हें तुम्हें सोचो कि एल बनाना है कोई पूछे कि एल्युमिनियम लेकर आओ और ऑक्सीजन लेकर आओ एल्युमिनियम कितना लाओगे तुम दो मोल लेकर आओगे एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बोलोगे ओ टू गैस मिलता है ऑक्सीजन तो के तीन आइटम चाहिए थे थ्री बाई टू लाओगे थ्री मोल ऑक्सीजन आइटम के लिए थ्री बाई टू मोल ओ टू हाँ. तब ये थ्री मोल जो ऑक्सीजन बन गया वो क्या होगा ये वन प्लस ये टू ऑफ ऑक्सीजन तीनों ऑक्सीजन आइटम क्या करेंगे दो दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते गए एक ऑक्सीजन में दो गया E1 तो ई वन प्लस एंड एट द लास्ट लैट इज आई थिंक बॉर्न एव अल मस्ट का तो बता दो एक थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एस सी एल टू सॉलिड इनवॉल्व विच फाइव स्टेप्स फर्स्ट हो गया सब्लिमेशन कैल्शियम का एक ही मोल लाओगे तो डेल्टा इज सब्लिमेशन ऑफ कैल्शियम सॉलिड करेक्ट हाँ दूसरा बताओ आयुष आगे ऑफ़ राइट करेक्ट हाँ क्यों ये सीए सॉलिड था, था तो तुम्हें ये सीएल टू तो एक मोल लेना पड़ेगा ना पूरा सीएल टू है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी एल टू गैस करेक्ट प्लस आई टू ऑफ सीएल टू आई टू हाँ आई वन प्लस आई टू है ना ये हो गया सेकेंड स्टेप यहां से एक ही मोल कैल्सियम का तो कैल्सियम से दो इलेक्ट्रॉन बाहर किया आई वन प्लस आई टू ऑफ कैल्सियम प्लस ये वन प्लस ये टू Huh. यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है ए वन प्लस अब दो क्लोरीन है दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर तो। कर रहे हैं ऑफ क्लोरीन दो क्लोरीन है ना दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ट्वाइस इंटू एन ऑफ क्लोरीन इसी के लिए मैंने एक एप्शन दिया था यहाँ पे एंड देन लास्ट में लाइट सी एल टू को ब्रेक किया तो दो क्लोरीन गैस बन गया दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहे हैं हो गया यस ओके थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दू क्या पंद्रह मिनट क्या ओवर कर दें थोड़ा सा ही बचा है ओवर कर लेते हैं आई थिंक ओवर करो एक्सटेंड करके ओवर कर लेते हैं पंद्रह बीस मिनट में खत्म हो जाएगा जितना सिलेबस एक फाइज तो अब इसका फॉर्मूला कैसे रखोगे ना तो तुम्हें बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स ऐसे क्लियर ना मतलब जनरली बुक में ए वाई प्लस बी एक्स माइनस लिखा रहता है तो ऐसे लिख लो मान लो लिखा हुआ ए वाई प्लस बी पे एक्स माइनस तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है क्रिस क्रॉस मेथड ए एक्स पी वाई एग्जाम्पल सी ए टू प्लस पीओ फोर थ्री माइनस कैल्सियम फॉस्फेट तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी ए थ्री पीओ फोर ट्वाइस पोटेशियम सल्फेट ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो इट फॉर्म्स के टू एस ओ फोर एल्यूमिनियम सल्फेट इसका चार्ज इसका कोई इसका इसके पास एल टू फोर्थ यही होगा ना क्लियर hmm. हो गया कैसे कैसे हुआ ओके नाउ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दो ही बिचा तो आज ही खत्म कर देते हैं उंड आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स प्रोटेक्शन है तो पहला तो हो गया crystalline nature. Crystalline nature. Crystalline nature मतलब क्या हो जाता है एक हाँ. ये इसमें क्या हो गया डेफिनिट अरेंजमेंट जो होगा उसको किस्त लाइन बोलते हो जैसे बताया था ना एन ए प्लस सीएल एन ए प्लस आर नॉन डायरेक्शनल मतलब एनए प्लस आ गया तो इसका चारों ओर से सीएल आ जाएगा इधर 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 ऐसा हो गया ना एक सीएल माइनस ऊपर से एक नीचे थे मतलब सिक्स सी एल माइनस चार ओर से आ गया तो क्या इसका कोई डायरेक्शन है क्या जैसे वो अप्रोच करेगा सीएल माइनस कम्स फ्रॉम ऑल द साइड्स ये तो मैग्नेट की तरह हो गया ना नॉन डायरेक्शनल हो गए जैसे दो मैग्नेट तुम सीएल दे रहे हो तो एन ए प्लस इधर से भी आ रहा है ऑल साइड से आ रहे बट तुम वही कोवैलेंट बॉन्ड लोगे तो एक सर्टेन डायरेक्शन है ऑक्सीजन ले लोगे और हाइड्रोजन ले लोगे तो दो हाइड्रोजन इसके पास वन जीरो फोर पॉइंट फाइव डिग्री से ही आएंगे ऐसे इसका एक फिक्स डायरेक्शन है तो कोवैलेंट में एक फिक्स एंगल होता है मतलब एस टू बनाना हो गया ना तो ऑक्सीजन हो गया दो हाइड्रोजन एक फिक्स डायरेक्शन से आएंगे अमोनिया बनाना है ना तो नाइट्रोजन हो गया तीन हाइड्रोजन जो होंगे डायरेक्शन वन जीरो सेवन डिग्री की ओर से ही आएगी बट इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है मैगनेट तो की तरह तुमने प्लस छोड़ा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है चारों से निगेटिव चार्ज आके उस पर स्टिक कर लेगा तो ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड ये चीज याद कर लेना ये वर्ड पूछता है कौन सा बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होगा ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है जबकि ये सब में एक डायरेक्शन हो जाता है सी एच फोर लोगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन बनाओगे तो सबका एक फिक्स एंगल है कि ये वन जीरो नाइन डिग्री ट्वेंटी एट मिनट में ही आएगा और किसी डायरेक्शन से नहीं आ सकता तो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल ये क्लियर हुआ सबको हाँ नोट्स सेंड कर दूंगा मैं ये ओके ये हो गया डायरेक्शन हाँ इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब स्ट्रोंग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हायर होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट यही होगा ना क्योंकि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जल्दी अलग ही नहीं होंगे इसके अलावा ये सब क्या होंगे हाँ हार्ड होंगे ब्रिटल होंगे अब तुम एन को ब्रेक करोगे तो बीच से ऐसे टूट जाएगा बिखर जाएगा ब्रिटल होगा ना और हार्ड रहता है अब इसकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो एक कंसेप्ट था लाइक डिजॉल्व लाइक 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 को डिजोल्व करता है इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड आयनिक कंपाउंड में पोलरिटी होती है ना आर इन पोलर सॉल्वेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉलिबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब सोचो ऑयल ऑयल में डिजोल्व होता है ऑयल मतलब क्या हो गया कोवेलेंट कंपाउंड तो ऑयल में डिजोल्व होगा और एन वगैरह वाटर में डिजॉल्व होगा वाटर पोलार है उसमें पोलैरिटी है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है वाटर में एक पोलैरिटी आ जाते नहीं ऐसे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस तो ये पोलार मॉलिक्यूल पोलैरिटी है इसमें तो ये आयोनिक कंपाउंड को डिजोल्व करता है कैसे ये प्रीवियस लेक्चर में उन्होंने किया था क्या था ना कि एन ए प्लस पे डेल्टा माइनस अटैक करेगा और यहाँ पे एच जाके अटैक करेगा और इसको धीरे धीरे डिजोल्व करते जाता है यहाँ पे कौन सी एनर्जी रिलीज होती थी हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर एनर्जी तो ब्रेक होता है सोलिबिलिटी याद आ गया हाँ तो इसके लिए क्या था सॉल्वेट होने के लिए सॉल्वेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन सॉलिबिलिटी कब था सॉल्वेशन एनर्जी वाटर रहा तो वो क्या कहलाएगा हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी तभी सॉल्युबल था ना सॉल्युबिलिटी तभी आती थी ये प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हम लोग ओके okay. अब आ गया कंडक्टिविटी ये कंडक्ट करेगा क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एन एस सॉलिड है मान लो कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हो अचानक करंट लगेगा क्यों नहीं होगा वो सॉलिड है एन ए प्लस सीएल एन ए प्लस सीएल वो कहां जाएगा वो डिजोल्व वो नहीं करता बट वही तुम्हारा वो लिक्विड बन जाए मोल्टेन स्टेट में आ जाए तब तो एन ए प्लस ब्रेक हो गया 800 डिग्री पे हिट कर दो तब तो एन ए प्लस कहीं से कहीं जाएगा सीएल माइनस भी कहीं से कहीं जाएगा है ना तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन मोल्टेनशेट और एक्वस कंडीशन अब आयनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज so, आइसोमोरफिज जैसे एनए प्लस सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होना चाहिए एनए प्लस इसके पास टू एट है इसके पास भी टू एट वाला पार्ट है टू एट और टू एट और, और एक हो गया एमजीओ एमजी टू प्लस भी इसी तरह से दिखा टू कमाइट और यहाँ भी टू कॉमाइट यह सब आइसो हो गए एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक ऐसे इसमें और पार्ट आएगा उसको बाद में देखेंगे उसके बाद वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल इलेक्ट्रो वैलेंसी तो वैलेंसी क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी जैसे एफ टू एफ थ्री तो यहां पे वैलेंसी ऑफ आयरन क्या होगा आयनिक बॉन्ड बनाया तो उसको इलेक्ट्रो वैलेंसी सो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट वैलेंसी ऑफ आयरन टू इलेक्ट्रो वैलेंस ऑफ आयरन यहाँ पे थ्री दूसरे एग्जाम्पल में कितने बॉन्ड बना रहा है बस वही था उसके बाद इनर्ट इन परफेक्ट आ गया था नाउ लास्ट टॉपिक कोवैलेंट कैरेक्टर एन आयोनिक कंपाउंड्स यहीं तक का सिलेबस अपना ये वाला जो कर लेंगे दैट इज रूल और इससे क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा एक या दो अब बहुत सिंपल सा रूल है उसने क्या बोला था नो कंपाउंड इज हंड्रेड परसेंट आयोनिक क्या होता है इसमें एक्चुअली कोवैलेंट कैरेक्टर होता है कोवैलेंट कैरेक्टर कैसा हो जाता है उसने बताया कि कैटन लोगे और यहाँ पे एनान लो तो एनान का साइज तो बड़ा होगा एनआन का अपने इलेक्ट्रॉन पे उतना वस नहीं रहता तो क्या होगा ये बाहर जाएगा सो वट विल बी देर इट विल बी डिफॉर्म ऐसे ए माइनस के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए उठकर बीच में आ गए ना जब इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं तो वही तो कोवैलेंट कैरेक्टर है कोवैलेंट कैरेक्टर तो कैटाइन पोलराइज करके एनआईन को ले आया तो इसी को कोवैलेंट कैरेक्टर बोलते हैं ना क्लियर हुआ अब कोवैलेंट कैरेक्टर्स किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कैटाइन कितना स्ट्रांगली उसको पुल करके अपनी ओर ला रहा है अपनी ओर पुलिंग पावर उसका किसका होगा तो ये इसको हम लोग बोलेंगे पोलराइज एनायन ये हो गया एनायन इज पोलराइज पोलराइज एनायन तो कैटाइन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना पोलराइज करेगा यहाँ पे अभी नो पोलराइजेशन था नो पोलराइजेशन अचानक पोलराइजेशन हो गया अभी चार्ज और कटान का डायरेक्टली रिलेटेड होगा तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कटान है ना कटान ने पोलराइज किया ना तो कोवालेंट कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा ये पांच छोटे छोटे फैक्टर हैं कोवेलेंट कैरेक्टर पहला होगा चार्ज ऑन सो कैटाइनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना क्या करेगा पोलराइज होगा ना हाँ तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज ऑन कैटन मतलब एन एस सी एल में लोग एन ए प्लस एन ए प्लस उतना ज्यादा इतना ज्यादा उसको डिफॉर्म नहीं करेगा जितना एम जी टू प्लस करेगा एमजी टू प्लस पूरे इलेक्ट्रॉन को खींच कराया और एल थ्री प्लस ने इतना खींचा की पूरा कोवैलेंट ही हो जाता वो हाँ तो एन एस सी एल एम जी सी एल टू एल सी एल थ्री क्या लग रहा है मेल्टिंग प्वाइंट किसका ज्यादा होगा लैटिसन अर से देखोगे तो प्लस थ्री माइनस थ्री एल सी एल थ्री का ज्यादा होना चाहिए बट मेल्टिंग पॉइंट इसका आता है एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इसका सेवन हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री सेंटीग्रेड बट नो वन एबल टू एक्सप्लेन सेन ऐसा कैसे हो गया तो फैजान ने बताया कि एक्चुअली ये आयिक रहा ही नहीं डिफॉर्म हो चुका है इधर क्या हो गया कैरेक्टर बढ़ते गया और कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है वीक होते हैं तो कोवाट बॉन्ड वीक होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता गया कैरेक्टर इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस कोवैलेंट ही मानते हैं कोवैलेंट हो गया ज्यादा क्लियर टू और पीवी बी आर टू पीवी सी एल फोर विच वन इज मोर को ये प्लस फोर है हाँ तो ये मोर कोवेलेंट होगा ये चार्ज को ज्यादा पोलराइज करेगा हो यही होगा ना ओके तो चार्ज उनका टाइम तो क्लियर हो गया कि कैसे कैसे होगा दूसरा हो गया मतलब इन द पीरियड क्या होता है चार्ज बढ़ते जाता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो जितना तुम अलकली से इधर जाओगे अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप थर्टीन फोर्टीन उतना वो कोवेलेंट होते चला जाएगा दूसरा हो गया साइज ऑफ द कैटैन अब मान लो चार्ज सेम हो गया तो साइज ऑफ कैटैन बड़ा करोगे तो क्या होगा क्या उतना पुल कर पाएगा क्या स्मॉल साइज हाई डेंसिटी सो मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ व्हाट स्मॉल कैटायन और लार्ज लोगे तो लार्ज पे तो चार्ज डिफ्यूज हो गया इसका पोलराइजिंग तो पावर कम होगा लेस पोलराइजिंग पावर ऑफ लार्ज कैटायन तो डाउन द ग्रुप हमेशा साइज बढ़ेगा तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा इफ यू टेक बी सी एल टू डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे कौन सा ज्यादा कोवाइलेंट एम जी सी एल टू सी एस सी एल टू स्ट्रॉन सीएम बेरियम एनआईन सी एल माइनस में ही चेंज है ना तो डाउन द ग्रुप कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीजेस को इंक्रीजेज अब कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजे नहीं सॉरी क्या होगा कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस ना तो मोस्ट कोवेलेंट क्या हो गया बेरेलियम तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा जब कोवेलेंट कैरेक्टर इधर डिक्रीज हुआ तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस ना मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो बी बेरेलियम क्या होता है हाई चार्ज डेंसिटी है छोटा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो मोर कोवेलेंट होगा ये सबको क्लियर हो गया अभी क्लियर है अभी ओके okay, डन ये दो पार्ट हो गया और दो और है कैटन का तो बात कर लिया एनआन पे क्या होगा एक और इसका पार्ट आता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल आई एन Lithium and beryllium आर कोवैलेंट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ lithium एंड beryllium आर कोवैलेंट क्यों बता सकते हो स्मॉल साइज़ है ना चार्ज डेंसिटी सोचो तुम बी सी एल टू क्या होता है बिल्कुल कोवैलेंट है वो ऐसे बॉन्ड बनाता है ओके okay. थर्ड हो गया चार्ज ऑन एन चार्ज ऑन एन होगा सोचो क्या होगा जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना इजिली पोलराइज़ होगा ना तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन मतलब इफ यू गो फॉर एन एस सी एल एन ए एन ए थ्री पी तो सोडियम ही एन ए प्लस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करेगा? ये माइनस थ्री है ना सोचो फॉस्फोरस पे तीन इलेक्ट्रॉन हो गए तीन तीन नेगेटिव चार्ज है तो उतना होल्ड नहीं रहेगा वो आराम से पोलराइज होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर इधर इंक्रीजेस रेक्टर इंक्रीजेस तो चार्ज कैटन पे ज्यादा हो चाहे एनआईन पे ज्यादा हो कोवैलेंट ज्यादा होगा यही हुआ ना अब हो गया माइनस आई माइनस कौन सा ज्यादा कोवैलेंट होगा फ्लोरिन का साइज छोटा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्पैक्ट पकड़ के रखेगा और आयोडिन का साइज बड़ा है तो वो क्या होगा कोवैलेंट की ओर ज्यादा जाएगा ना हाँ तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा डायरेक्टली रिलेटेड टू साइज ऑफ एन अब इफ आई राइट सी एफ टू सी ए सी एल टू सी ए बी आर टू सी आई टू आयोडीन का साइज बड़ा हो तो ज्यादा कोवैलेंट हो गया तो कोवैलेंट कैरेक्टर इनक्रीजेस लार्जर द साइज इजिली तुम उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते होना है ना सिमिलरली दे देगा एल एफ थ्री एल सी एल थ्री ए एल बी आर थ्री एल आई थ्री ऐसे तो तुम्हें सोचना होगा कि अच्छा कैटान पर तो बात ही नहीं कैटान तो एल्यूमिनियम ही है तो फ्लोरिन क्लोरिन ग्रोमिन चार्ज तो सब पे माइनस वन है तुम्हें साइज पे जाना था ना ये क्लियर हो गया ओके सबको क्लियर है ठीक है अब हम लोग इसकी बात करें लास्ट इसका केस फिफ्थ कॉन्फिग्रेशन ऑफ कैटान कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटैन तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटान में क्या हो गया कि 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम शिडो इन ऑर्ट कन्फिग्रेशन शिडो इनऑर्ट सीडो इलेक्ट्रॉन कॉन्सन क्या बोलते हो एटीन इलेक्ट्रॉन को बोलते हो आर मोर को ड्यू टू पुअर शेल्डिंग इफेक्ट ड्यू टू पुअर शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ एन माइनस वन डी सबसेट एग्जाम्पल सी यू प्लस सी यू का क्या कंफ्यूग्रेशन होगा थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी टेन और एक ले लो इसमें थ्री डी टेन का फोअर शील्डिंग आएगा ना ये ज्यादा पोलराइज करेगा more सी एल इज मोर कोवेंट जिसके पास थ्री डी ना हो एन एस सी एल क्लियर हो गया कौन सा ज्यादा कोवैलेंट है मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट मालूम चल है point, 442 है इसका इसका डिग्री और देखते हो तो 800 दोनों में क्या हो गया स्टॉप तो नहीं कर पाएगा तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन को पुल करता है इसलिए वो मोर कोवेलेंट में चला जाता है अब इसका यूज क्या था ये दो पॉइंट है और थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बी सीओ थ्री है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ये है तो ये बन रहा है बी और सीओ टू और एक हो गया बी ए सीओ थ्री बेरेलियम मैगनीशियम कैल्सियम वस्टोलशियम बेरियम ऐसे है ना बेरियम तो है ना, वो जल्दी ब्रेक ही नहीं होता बहुत ज्यादा स्टेबल होगा जबकि ये लो टेम्परेचर पे ब्रेक होगा ये लोअर टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री हिट कर दो तो ब्रेक होगा और उसको थाउजेंड डिग्री भी हिट करो तो नहीं होता तो थर्मल स्टेबिलिटी तो बढ़ गई है ना कैसे हो गया इस सबका नहीं बात कर रहे हम लोग मेटल कार्बोनेट की बात कर रहे थे और मेटल कार्बोनेट ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बढ़ जा रहा है राइट तो देखो इसका रीजन क्या है कि बेरिलियम कार्बोनेट ऐसे होता है बी टू प्लस और ये वो माइनस है यहाँ पे डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड वो माइनस अब हीट करने पे क्या होता है ये ऑक्सीजन को ये अट्रैक्ट करके लाएगा तो बेरेलियम का हाई चार्ज डेंसिटी है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है इसका इतना हाई चार्ज डेंसिटी है कि ऑक्सीजन को लेकर आ जाएगा वो बीओ बन जाएगा और सीओ टू यही है ना और वही बी ए टू प्लस ले लोगे तो ये बड़ा साइज है इसका प्लस चार्ज डिफ्यूज होगा यही होगा ना तो लेस चार्ज डेंसिटी इसमें पावर ही नहीं है कि ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर पाए तो हीट करते जाओगे हीट करते जाओगे कभी जाके ब्रेक होगा तब जाके ये बनेगा बी एर सी ओ टू अट्रेक्शन पावर तो बेरेलियम का ज्यादा था तुमने थोड़ा भी हिट किया ऑक्सीजन के, के लेकर निकल गया तो सीओ टू बाहर आ गया तो तुम बोलोगे तो हंड्रेड डिग्री पे ही सीओ टू बाहर आ गया और वही बेरियम पे चले जाओ उसका कोई अट्रैक्शन पावर नहीं है तो उसको हीट किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं तब जाके कभी ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक पड़ा तब वो निकलेगा और एक पॉइंट था ये नहीं आता कार्बोनेट तो आ जाता है जो लास्ट वाला फालतू एक पॉइंट बता रहा हूं कलर मोर को वैलेंट कैरेक्टर इंटेंस कलर ऐसे तुम ये देखो एजीसीएल एजीबीआर एजीआई ये होता व्हाइट कलर होता है पेल येलो तो लाइट येलो कलर होता और ये होता है येलो कलर